अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वसीम रुसैला रियल्टी से। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी, 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक ब्याज सूद इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। क्यों नहीं उठ पा रहा है कचरा, क्या करे निजी सफाई कर्मी? बिल्डिंगों सोसाइटियों का कचरा उठाने वाले सफाई कर्मी हुए परेशान हाल। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शहर में बीच सड़क पर कई जगहों पर, जैसे तनवर नगर है, मित्तल मैदान है, कौसागा ग्लोबल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अक्सर कचरे के ढेर लगे नजर आते थे, मगर अब इस पर अच्छा खासा कंट्रोल पा लिया गया है, नियंत्रण आ गया है। मगर अब अचानक फिर एक बार भंडारली के डंपिंग मैदान की समस्या फिर से खड़ी होने लगी है। मुमरा कौसा में कचरा उठाने का जो निजीकरण किया गया है ठाणे मनपा द्वारा, उसका ठेका इस वर्ष दिया गया है क्रिस्टल कंपनी को, तो क्रिस्टल कंपनी द्वारा कचरा उठाने में देरी की जा रही है, ऐसा कहना है बिल्डिंगों तथा सोसाइटियों का, कचरा उठाने वाले निजी सफाई कर्मियों का। 21 जून को ये सभी लोग सुबह लगभग 8-9 बजे से कई बिल्डिंगों का कचरा लेकर मित्तल मैदान के पास बिल्कुल सड़क से लगकर के जो पत्रे लगे वहां पर रुके हुए थे, जहां पर एक समय में कचरा डाला जाता था, डंपिंग होता था, मगर गाड़ी न आने की वजह से ये रुके रहे। इनका कहना था कि समय पर गाड़ी नहीं आ रही है, कचरा ले नहीं जाया जा रहा है, उस वजह से हम दूसरी बिल्डिंगों की सफाई नहीं कर पा रहे, वहां का कचरा नहीं उठा पा रहे, ऐसे में हमारे हाथ से रोजगार भी चला जाता है। बिल्डिंग के लोग नाराज होकर, सोसाइटी के लोग नाराज होकर हमसे काम निकाल लेते, किसी और को दे देते हैं, जबकि सभी सफाई कर्मियों का के साथ जो है ये समस्या होती है, जो निजी तौर पर बिल्डिंगों और सोसाइटियों को अपनी सेवाएं देते हैं। किस तरह से इन्होंने अपनी समस्या रखी है, वहीं क्रिस्टल कंपनी के यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई, उस व्यक्ति ने भी क्रिस्टल कंपनी से जुड़े हुए हमें बताया कि भंडारली पर कुछ जो डंपिंग मैदान बनाया गया है, डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, वहां पर कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, गाड़ियां खाली नहीं हो पा रही है, उस वजह से ये देरी हो रही है, और जल्द से जल्द इस पर कंपनी जो है काम कर रही है, मनपा प्रशासन भी काम कर रहा है, और इस पर हल निकाल लिया जाएगा। बहरहाल किस तरह से समस्या उभरी है निजी सफाई कर्मियों की, देखिए। इसको भी ले ले भाई, तू इधर ये ड्यूटी वाले इधर ये तू इधर आना, इधर आना। सुनो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? पप्पू चौहान। पप्पू भाई, ये सोसाइटी की सफाई का, बिल्डिंगों की सफाई का काम करते हैं आप लोग? हाँ जी सर। मैं देख रहा हूँ कि काफी देर से यहाँ पर आप लोग कचरों के सब डिब्बे रख करके खड़े, कब से खड़े हैं आप लोग? हमको हो गया 5-6 घंटे हो गया। 5-6 घंटे हो गए, 8 बजे से बैठे हैं हम। अच्छा, ये जितने भी सफाई कर्मी हैं आप लोग अलग अलग बिल्डिंगों की सोसाइटियों की सफाई करते हो जी सर, तो यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ अमृत नगर है, शंकर मंदिर है, सोनाजी नगर है, तो क्या इस पूरे इलाके का ये कचरा है यहाँ पर? हाँ जी, बाहर का नहीं। अच्छा, बाहर का नहीं है, यही आसपास की बिल्डिंग होता है। हाँ सर, यही। अच्छा, तो ये लगभग 5 घंटा हो गया तुम लोग लेकर खड़े हो, तो यहाँ पर ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी अभी क्रिस्टल कंपनी को दी गई है, ठाणे मनपा ने दी है, तो क्रिस्टल कंपनी की गाड़ी आई नहीं अभी तक आप लोगों के पास? उनका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह होता है क्या? हम लोग बात कर रहे हैं, बोले अभी भेज रहे, 10 मिनट में भेज रहे, 5 मिनट में भेज रहे, 1 घंटे में भेज रहे, 2 बजे भेज रहे। अच्छा, बोल रहे हम लोग अभी तक गाड़ी नहीं भेजी, गाड़ी अभी तक नहीं भेजी, अभी तक नहीं आई गाड़ी। अच्छा, सुबह कितने बजे से आए हो आप लोग यहाँ पर? 7-8 बजे से बैठे हम लोग, 5 बजे आते हैं सुबह, 5-5:30 बजे आते हैं, और यहाँ 8 बजे से हम लोग बैठे हैं कचरा लेके। अच्छा, और क्रिस्टल गाड़ी नहीं भेज रहा? नहीं भेज रहा है। अच्छा, ये बताइए अभी ये कहाँ का कचरा आप लोग लेकर के आए हैं? ये एरिया कचरा है सब पूरा। हाँ, जैसे अमृत नगर है, सोनाजी नगर है, अच्छा, शमशाद नगर, ठीक है, ये आसपास का पूरा एरिया है, ये यहाँ का स्टॉक है। क्रिस्टल कंपनी के जिम्मेदारों को क्या कहना चाहोगे?
सर हम तो यही कहना चाहेंगे, हम लोग को गरीब लोग, हमारा काम छूट रहा है, हम लोग कचरा लेके बैठे, दूसरा बिल्डिंग का काम छुट्टी हो गया हमारा। अच्छा, और वो लोग बोलते बोला हमारा बाजू वाला तो लेके गया, तू क्यों नहीं आ रहा इधर, हमारा डब्बा इधर 15-20 रहता है तो कैसे छोड़ के जाएंगे इधर, ये डिब्बे खाली होकर के ले जाएंगे तब जाकर के उठा कर ला पाएंगे, खाली होंगे तभी तो आगे हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। बहन क्या कहना चाहोगी तुम? यही कहना चाहेंगे एक गाड़ी जाती है तो दूसरी आनी चाहिए। तो, अच्छा ये यहाँ से अभी सुबह एक भी गाड़ी नहीं आई है? नहीं सर। अच्छा, और लोग फोन भी नहीं उठा रहे, फोन उठा रहे तो बोल रहे कि एक घंटे में भेज रहा हूँ, जमीन पर मत मारो। अच्छा, तो अभी हमने प्लान बना लिया, जमीन पर मार के जाएंगे अब, नहीं तो क्या करेंगे फिर, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है ना, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वाला भी देखने नहीं आ रहा कोई भी, क्या हो रहा है, जल्दी तो क्या करेंगे, अधिकारी कोई लोग नहीं आया इधर। ठीक ए बाबू सुनो, ये लोग कह रहे हैं कि कंपनी को फोन किया है, कंपनी कह रही है 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, क्या देरी हो रही है, सुबह से गाड़ी क्यों नहीं आई है? डंपिंग बंद है सर। डंपिंग बंद है कहाँ पर? भंडारली में। अच्छा, हमको तो जाने दो ना, बंद है तो हम लोग का नहीं, तो ठीक है, एक मिनट, डंपिंग भले बंद रहे लेकिन गाड़ी ला करके आप कचरा तो भरवा ले सकते हो ना उसमें, गाड़ी सब कचरा भरेला है सर। अच्छा, गाड़ी सब कचरा भरा हुआ है, खाली करके आई है, पाटा पार हो गई। अच्छा, अभी पहुँच रही है गाड़ी, तुम्हारे हिसाब से कितनी देर में पहुंचेगी? 10 मिनट में। 10 से 15 मिनट पकड़े? गाड़ी नहीं आई तो हम लोग नीचे पलटी मार देंगे। अच्छा, 10-15 मिनट में गाड़ी नहीं आई, 10 मिनट बोला, 20 मिनट दिया, अच्छा मिनट दिले, अरे खाली पलटी मार दे, आधा घंटा पकड़ के चल दे, है ना जी, उनको लगते हैं हमारा क्या बोलते हैं। हाँ नहीं, ठीक है, सही है, बिल्डिंग छूट जाएंगे, सेठ लोग गुस्सा कर रहे हैं, बोले तुम लोग करके आ रहे हो, नाश्ता पानी कुछ भी नहीं करके आते हैं, इधर दो दो तीन तीन बजे तक रुके रहते हैं, ऐसा सर क्या करेंगे। ठीक।